राजस्थान प्रांत के कोटा महानगर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर अविरल बहती पावन नदी चंबल के तट पर स्थित है जैन धर्म का प्राचीन तीर्थ श्री दिगंबर जैन अतिश्य क्षेत्र किशोरायपाटन। हड़ौती क्षेत्र के बूंदी जिले में प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वातावरण में अवस्थित इस तीर्थ में विराजमान है शनि ग्रह अरिष्ट निवारक 1008 श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की मूंगिया पाषाण से निर्मित 4.5 फुट अवगाहन वाली लगभग 2500 वर्ष प्राचीन पद्मासन प्रतिमा। माना जाता है कि इस प्रतिमा के प्रतिष्ठापन के समय देवों ने स्वर्ग से आकर पुष्प एवं केसर की वृष्टि की थी। प्रतिमा के अतिशय के विषय में कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी के सैनिकों ने जब इस मंदिर पर आक्रमण कर प्रभु प्रतिमा को तोड़ने का प्रयास किया तो दूध के भयंकर बाढ़ ने आक्रमणकारियों को भागने को विवश कर दिया। मूर्ति पर छेनी और हथौड़ी के चोट के निशान अभी भी प्रतिमा पर दिखाई देते हैं। मूलनायक श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान के अतिरिक्त यहाँ 13वीं शताब्दी की 6 जिन प्रतिमाएं भी विराजित हैं, जिनमें से श्वेत चट्टान पर स्थापित भगवान पद्म प्रभु की सुंदर प्रतिमा जहाँ सभी का मन मोह लेती है, तो वहीं 12 खम्बों के कलापूर्ण गुंबज युक्त गुप्तकालीन प्राचीन छतरी में विराजमान है क्षेत्रपाल बाबा। माना जाता है कि शनि अमावस्या के दिन यहाँ भगवान की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं तो पूर्ण होती हैं, साथ ही ग्रह भी शांत हो जाते हैं। इसी कारण प्राचीन काल से सैकड़ों भक्त प्रतिदिन यहाँ आकर प्रभु का दर्शन वंदन करते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ प्रतिवर्ष वैशाख शुद्धि नवमी एवं दशमी को वार्षिक मेले का भव्य आयोजन किया जाता है। तीर्थ पर साधु संतों के आवास एवं आहार की व्यवस्था के साथ साथ दर्शनार्थियों के ठहरने हेतु 36 कमरों की सभी सुविधाओं से युक्त आधुनिक धर्मशाला एवं भोजनशाला भी बनी हुई है। साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आस्था के इस पावन धाम के विकास की विभिन्न योजनाओं में आप सभी सहभागी बन सातिश्य पुण्य का अर्जन करें। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स प्रबंध कार्यकारिणी समिति श्री 1008 मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन अतिश्य क्षेत्र किशोरायपाटन पंजाब नेशनल बैंक शाखा किशोरायपाटन खाता क्रमांक 4475001000123 IFSC कोड PUNB 0447500 कैनरा बैंक शाखा किशोरायपाटन खाता क्रमांक 3558214000005 IFSC कोड CNRB 0003558 संपर्क सूत्र 9351996323। ॐ प्रीं क्लीं ऐं अर्हं बं बं हं सं तं पं बं 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 हं हं सं 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 पं पं झं झं श्रीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमूर्ते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जले निधिन भविष्यामि ते स्वाहा। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमर्हं बं बं हं शं तं पं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्वीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ॐ ह्रीं क्रों मं पापं खंड खंड जय जय दय दय पच पच पाचे पाचे। ॐ नमो अर्हं झं झ्वीं छ्वीं हं सं झं मं हाय सा छां छीं छों छें छैं छों छों छं छा छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रें ह्रैं ह्रों ह्रों हं ह्रा द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ठाठा अस्माकं श्री शोधर्मेन्द्र कलशकर्ता श्रीमान विमल कुमार जी जैन विमला जी जैन आलोक जी नीलेश जी जैन समस्त परिवार कोटा निवासी से परिवार से प्रथम शांति धारा कर्ता श्रीमान विमल कुमार जी विमला जी आलोक जी बरखा जी नीलेश जी स्मिता जी जिया जी यशम जी जैन मनय जी जैन समस्त परिवार कोटा निवासी से परिवार से द्वितीय शांति धारा कर्ता श्रीमान नैमी चंद जी पंकज जी महावीर जी प्रवीण जी मीनाक्षी जी जैन समस्त परिवार कोटा निवासी मीनाक्षी जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु से परिवार से एवं ताराचंद जी राहुल जी आशीष जी नवनीत जी सुशील जी रक्षित जी दिवी जी जैन पवन जी जतिन जी जैन ममता जी तान्या जी जैन समस्त परिवार कोटा निवासी से परिवार से श्रीमान गौरव जी पाटनी अंकिता जी धनवीन जी हेवान जी पाटनी महावीर नगर विस्तार योजना कोटा निवासी सह परिवार से श्रीमान सौरभ जी जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती सुनीता बेन जी शैलेश जी वंदना जी महावीर जी अर्चना जी दीपक जी ख्याति जी अभी जी रिवा जी सुभी जी पूजन जी देव जी प्रथम जी
तीर्थ जी, पार्श्वी जी जैन एवं सत्यन जी जैन समस्त परिवार अहमदाबाद गुजरात निवासी से परिवार से मासिक शांति धारा पुण्यार्जक श्रीमान कैलाश चंद जी, राजकुमारी जी, मनीष जी, अंतिमा जी, आशीष जी, अविका जी, अक्षय जी, बाकलीवाल तालेड़ा वाले कोटा निवासी से परिवार से श्रीमान महावीर प्रसाद जी, लाड देवी जी, ललित जी, शारिका जी, कमल जी, रजनी जी, नवीन जी, स्वाति जी, विनीत जी, दीक्षा जी, दिया जी, विशुद्धि जी, भाविक जी, किंसु जी, देशना जी, अग्नि जी, आर्य जी, लोहाड़िया तलमंडी कोटा निवासी से परिवार से श्रीमान पारस चंद जी, दिनेश कुमार जी, जम्मू कुमार जी, मनोज कुमार जी, आरजव जी, अर्थव जी, इशिता जी, अंथड़ा वाले तालेड़ा निवासी से परिवार से श्रीमान रवि जी, माला जी, धारवी जी, जयपुर निवासी स्वास्थ्यला बेतु से परिवार से श्रीमान ज्ञानचंद जी, सावित्री देवी जी, अविनाश जी, सुनीता जी, निधि जी, अवनि जी, जिनेश जी, गोयंका जी, निवाई वाले समस्त परिवार जयपुर निवासी से परिवार से उपस्थित सर्वजन नाम से परिवार से सकल दिगंबर जैन समाज केशव राय पाटन से परिवार से समस्त प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी तीर्थ क्षेत्र केशव राय पाटन से परिवार से श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याणमस्तु स्वः एवं अस्माकं श्री शांति धारा कर्ता कार्य सिद्धार्थम सर्वज्ञ निवारणार्थम श्रीमद् सर्वज्ञ परमेष्ठि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति धारा कर्ता श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धि रस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गा प्रसीदंतुना। ओम ह्रीं श्री विश्वादया श्रीवर्धमान पर्यंता शत्रुविंशतरहंतो भगवंता सर्वज्ञः परम मांगल्यं विधेयः। अस्माकं श्री शांतिधारकर्ता यः मूत्र च सिद्धिं तन्वन्तु षड्धर्मकार्येषु यः मूत्र च सिद्धिं प्रक्षन्तु नः। अस्माकं श्री शांतिधारकर्ता उपस्थित सर्वजनानां सकल दिगंबर जैन समाजस्य व्याधिं ग्रहन्तु व्याधिं ग्रहन्तु व्याधिं संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। ॐ ह्रीं अष्टप्रातिहारमध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि। ॐ ह्रीं अष्टप्रातिहारमध्ये चम्रद्वयं स्थापयामि। ॐ ह्रीं से अभिषेकान्ते वृषभादि वीरान्तेभ्यो नमः। शान्तिधारा प्रान्ते भगवान् के पञ्चकल्याणकेभ्यो नमः। जलाधि अर्घं निर्वपामिति। ॐ ह्रीं श्री मूलय के खजराट श्री मुनि सुब्रतनाजनेन्द्राय नमः। अर्घं निर्वपामिति। ॐ ह्रीं श्री जिनमुखोद्भूत सरस्वती देव नमः। अर्घं निर्वपामिति। ॐ ह्रूं श्री स्वाट संत श्रोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय नमः। अर्घं निर्वपामिति। ॐ ब्राह्मणि श्री स्वाट सुधासागर जी मुनीन्द्राय नमः। अर्घं निर्वपामिति। ओम ह्रोम से अढ़ाई दीप संबंधी समस्त आचार उपाध्याय सर्वसाधुभ्यो नमः। तीन कम नौ करोड़ महामुनिराज के चरण कमलेभ्यो नमः। जलाधि अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। आरति मुनि सुब्रत स्वामी विश्वे तीर्थंकर धन्य है चंबल का तीरा दिखाया अतिशय बल वीरा हो गई पावन यह पाटन भव्य जिन मंदिर मन भावन अटल दरबार मची जयकार बने नम जीतम पथगामी आरती पुण्य शोभ्रत स्वामी। आज ये शुभ दिवस हम सभी के जीवन में आया है। हम चाहते हैं कि ऐसा जीवन हम सभी को जब तक हमारे जीवन में मोक्ष ना मिल जाए जब तक हम बाबा के चरणों में इसी तरीके से सेवा करने के लिए आते रहें। अलौकिक मूर्ति है। मैं सभी विश्व के जैन बंधुओं से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो यहाँ इस क्षेत्र पर एक बार अपने जीवन में जरूर से जरूर पधारें और अपने जीवन को धन्य करें। बोलो मनसाथ भगवान की जय। मनसाथ भगवान की ये मूर्ति बहुत ही अलौकिक है। इसके सामने खड़े होने के बाद आपको अंदर से बहुत ही आत्मिक शांति और श्रद्धा का भाव उत्पन्न होगा। मेरा अनुरोध है एक बार आकर सभी इसका दर्शन जरूर करें। बोलो मनसाथ भगवान की जय। मेरा परम सौभाग्य है कि मैं 24 साल से लगातार हर महीने हम लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और हमारी बहुत सारी आस्था विश्वास और बोलें तो एकदम से इच्छा होती है आने की कि एक बार कई बार तो ऐसा होता है कि महीने में दो बार भी चलना हो तो हम हमेशा तैयार रहते हैं कि अपन चलें। कोई बोले बस इतनी सी देर होती है तो हमेशा प्रतिमा खींचती है हमें अपनी ओर।
हमारा यहाँ बहुत ही विश्वास है, तो सभी लोगों को ऐसे अलौकिक भगवान के दर्शन जरूर करना चाहिए।